Hello dear students, I am your math teacher Sweetie. Today we are going to learn about our second exercise number notation. Number notation, example one देखते हैं. Write the numbers given in the table below in word. ये आपका table मतलब write the number जो table के अंदर number दिया हुआ है आपको इसको word में लिखना है. अब ये example को ध्यान से देखिए, आगे आपका exercise जो है वो बनेगा. ए में देखिए क्या है, प्रियर 10,000 ऑफ वंस लिखा हुआ है. ठीक है, ए में देखिए 1569 1569. अब ये ध्यान से देखिए, 1 10 100 1000 10,000 तो हम लोग पढ़ चुके हैं. ठीक है, अब भी तो इस ये आपका 1 10 100 1000 यहाँ तक है, इसको वर्ड में लिखना है. तो कैसे लिखेंगे, तो लिख सकते हैं ना 1569. यहाँ देखिए आपका लिखा हुआ है 1569, तो लिख सकते हैं. अब बी नंबर में आइए, 25613 25613. अब इसको हम इधर पढ़ सकते हैं 1 10 100 1000 10,000 10,000 है, तो हम कैसे लिखेंगे, 25613 लिख सकते हैं. चलिए ठीक है, सी नंबर में आते हैं हम लोग. कितना सी नंबर में, 40687 40687. इसको कैसे बनाना है, इसको भी वर्ड में लिखना है आपको. तो 40687 बन जाएगा. अब हम लोग एक्सरसाइज पे आते हैं, एक्सरसाइज में आ जाते हैं. चलिए एक्सरसाइज 2A है, क्वेश्चन नंबर 1, राइट द फ्लोइंग नंबर्स इन वर्ड. राइट द फ्लोइंग नंबर्स इन वर्ड. चलिए ठीक है, ए नंबर देखते हैं क्या है. ए नंबर में देखिए क्या है, ए नंबर देखिए अंक दिया हुआ है आपका 41925 41925. इसको हमको वर्ड में लिखना, तो कैसे लिखेंगे, यहाँ लिखा हुआ देखिए 41925 41925. तो यहाँ ध्यान से देखिए 1 10 100 1000 10,000 है. ठीक है, अब बी नंबर में आते हैं. बी नंबर में देखिए क्या है, बी नंबर में देखिए क्या है, 874 874 874. इसको कैसे लिखेंगे, 8074 8074 हो जाएगा. सी नंबर में आते हैं, 3206 3206. तो इसको कैसे लिखना है, 3206 3206 एंड सिक्स हो जाएगा. डी नंबर में आते हैं अब हम लोग, 9052 9052 9052 9052 है. इसको कैसे लिखना है, अब ध्यान से देखिएगा, 9050 9050. कैसे, जैसे हम समझ में नहीं आ रहा है. ठीक है, तो 9000 मतलब 52 है. तो यहाँ 52 लिख दिए, इसको प्लस कीजिए तो आपका यही आ जाएगा 9052. तो 9052. ई नंबर में आते हैं 81568 81568. ध्यान से देखिएगा, ये ई नंबर है, इसको ध्यान से देखिए. अब इसको कैसे लिखेंगे, 81568 एंड 68. ठीक है, बन जाएगा. एफ नंबर में आइए, एफ नंबर में 2179 2179 2179. तो इसको कैसे लिखेंगे, 2179. कैसे लिखना है, फिर से बोल रहा है, 2179. ठीक है, जी नंबर में आते हैं, 42576 42576 42576. चलिए ठीक है, इसको बनाते हैं, 42000 42576 42576 बन जाएगा. एच नंबर में आते हैं हम लोग, फिर
8090 1 8 0 9 0 1 कैसे लिखना है? 80,000 80 EIGHTY 80,901 901 फिर से रिपीट 80,901 ठीक है। आई नंबर में आते हैं 3407 3407 इसको लिखना है 3407 रिपीट 3407 ठीक है। क्वेश्चन नंबर टू में आते हैं टू में आने से पहले आपको चलिए टू में आते हैं। टू में क्या है ध्यान से देखिए, टू में आपका दिया है राइट द फ्लोइंग नंबर्स इन फिगर, राइट द फ्लोइंग नंबर्स इन फिगर, ये आपका राइट जो नंबर्स दिया इसको ये फिगर में आपको भरना है, ये आपको क्या करना है फिगर में आपको भरना है ठीक है। चलिए ठीक है चलिए बनाते हैं हम लोग भी। क्या है पहला में देखिए 73,210 73,210 तो देखिए 73 में 73 200 210 यानी 10 हो गया। अब यहाँ ध्यान से देखिए बी नंबर में क्या है 58,304 तो यहाँ हम लिख सकते हैं 58,304 तो कैसे लिखेंगे 304 जीरो फोर होगा जीरो फोर या हो जाएगा। अब चलिए सी नंबर में क्या है ध्यान से देखिए सी नंबर में क्या है सी नंबर में क्या है सी नंबर में आपका 7906 क्या है 7906 इसको अब ऐसी वर्ड में लिखना है आपको ठीक है। हाँ ठीक है तो 7906 तो हम यहाँ लिख सकते हैं 7 9 1 नहीं यहाँ से आप 10,000 से आपको नहीं लिखना है तो ये 7,000 है तो यहाँ हम 7906 ठीक है। जैसे यहाँ देखिए बी नंबर में था ना 58,000 तब ना हम यहाँ से लिखे तब नहीं पूरा कट गया। अब डी नंबर में आते हैं 844 तो 800 है ना तो यहाँ से हम लिखे 844 ठीक है। ई नंबर में देखती है क्या है 91,701 ठीक है ये भी आपका बन जाएगा। हाँ चलिए जैसे आपका ये ऊपर वाला है 73,010 जो है वो वाली बन जाएगी तो 91,701 इसमें आपका लिखा जाएगा बना लीजिएगा। चलिए ठीक है।